नमस्कार साथियों, दीपेंद्र हुड्डा कैप्टन अभिमन्यु जैसे 60 वकीलों का वोट काटने की तैयारी हो गई है। ये वोट किसी आम चुनाव में पड़ने वाले वोटों से नहीं, ये बार एसोसिएशन रोहतक द्वारा काटने का कार्य किया जाएगा। दीपेंद्र हुड्डा और कैप्टन अभिमन्यु जैसे 60 ऐसे वकील हैं जिन पर चुनाव अधिकारी जो कि कोर्ट्स के अंदर होते हैं उन्होंने कदम उठाया है। हरियाणा के रोहतक में जिला बार एसोसिएशन को लेकर इस बार सियासी माहौल काफ़ी गर्मा गर्मी में चल रहा है, क्योंकि आने वाले समय में चुनाव है और चुनाव को देखते हुए ऐसी कार्रवाई हो रही है। हाईकोर्ट में पिछले दिनों एक याचिका को दायर करने का कार्य किया गया था, जिसको देखते हुए चुनाव अधिकारी ने उन वकीलों के वोट्स को काटने का निर्णय लिया है जो पंजाब और हरियाणा बार काउंसिल के अलावा दूसरी जगह के सदस्य भी देखे गए हैं। इनमें कांग्रेस के राज्यसभा सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा और पूर्व वित्त मंत्री भाजपा नेता कैप्टन अभिमन्यु भी शामिल हैं। चुनाव अधिकारी का कहना है कि करीब 60 वकीलों की वोट कट सकती है। प्रदेश में अहम शामिल रोहतक बार एसोसिएशन में इस बार 15 दिसंबर को चुनाव होने हैं। इसके लिए 7 दिसंबर से नामांकन भरे जाएंगे, जबकि 8 दिसंबर को नामांकन की जाँच और 9 दिसंबर को वापसी की तारीख को फिक्स रखा गया है। यहाँ पर प्रधान, उप प्रधान, सचिव, संयुक्त सचिव और लाइब्रेरी इंचार्ज के लिए 15 दिसंबर को वोट डाले जाने का कार्य किया जाएगा। इसी बीच हाईकोर्ट में पिछले दिनों एक याचिका को दायर करने का कार्य किया गया था, जिसमें सवाल उठाया गया था कि जिला बार एसोसिएशन में ऐसे वकील भी हैं जो पंजाब और हरियाणा बार काउंसिल के अंतर्गत रोहतक बार के सदस्य हैं, उनका मतदाता सूची में नाम है, जबकि दूसरी काउंसिल के अंतर्गत भी वे वकील बताए जा रहे हैं। एक क्राइटेरिया होता है जिसके अंदर वकील केवल एक बार काउंसिल के रह सकते हैं, 2 से ज़्यादा बार काउंसिल के वकील नहीं रह सकते, केवल एक काउंसिल से ही अटैच होना पड़ता है। लेकिन उनका नाम रोहतक मतदाता सूची में भी देखा गया है। बताया गया कि हाईकोर्ट में दायर याचिका को देखते हुए चुनाव जिला बार चुनाव प्रबंधक समिति ने ऐसे वकीलों के नाम मतदाता सूची से हटाने का कार्य किया गया है, जिनमें दीपेंद्र सिंह हुड्डा और कैप्टन अभिमन्यु जैसे दिग्गज नेता भी शामिल हैं। मतदाता सूची में है इस बार 3301 वोट। जिला बार की मतदाता सूची में 3301 वोट हैं। अब 60 से ज़्यादा वकीलों की वोट कट सकती है, जो पंजाब बार काउंसिल के अलावा दूसरी काउंसिल के एडवोकेट नंबर अगर इन्हें मिला हुआ है तो। कांग्रेस के राज्यसभा सांसद दीपेंद्र हुड्डा और पूर्व वित्त मंत्री कैप्टन अभिमन्यु को दिल्ली बार काउंसिल से वकालत का भी लाइसेंस मिला हुआ है। ऐसे में इन दोनों नेताओं को के यहाँ से वोट काटे जाने का कार्य किया जा सकता है और ये रोहतक के बार में वोट नहीं डाल पाएंगे। आज से नामांकन ये जमा करानी होगी अनुभव, मतलब यानी कि मान लीजिए कि एक दिन का समय हो चुका है जिसमें प्रधान पद के लिए रोहतक बार एसोसिएशन द्वारा 51,000 की सिक्योरिटी राशि जमा करने का कार्य किया गया है और उस वकील को 10 साल का तजुर्बा यानी कि एक्सपीरियंस होना चाहिए। इसके बाद उप प्रधान के लिए 21,000 की सिक्योरिटी राशि और 5 वर्ष का अनुभव होना चाहिए। महासचिव पद के लिए 31,000 की सिक्योरिटी जमा राशि और 5 वर्ष का अनुभव चाहिए। इसके बाद संयुक्त सचिव के लिए 11,000 की राशि और 3 वर्ष का अनुभव, लाइब्रेरी इंचार्ज के लिए 11,000 की राशि और 2 साल का अनुभव चाहिए और इसके अलावा सक्रिय सदस्य के लिए 2100 रुपये और अनुभव की कोई आवश्यकता नहीं है। हाईकोर्ट में दायर याचिका को देखते हुए चुनाव प्रबंधक समिति ने ऐसे वकीलों को मतदाता सूची से हटाने का भी कार्य किया है जो पंजाब एवं हरियाणा हाईको बार की बजाय दूसरी काउंसिल के वकील हैं। इसमें कांग्रेस के दीपेंद्र हुड्डा और अभिमन्यु जैसे 60 वकील शामिल हैं। ये चुनाव अधिकारी जिला बार राम नारायण सैनी के द्वारा कहा गया है। इस प्रकार कैप्टन अभिमन्यु जैसे और बात करें तो यहाँ पर दीपेंद्र सिंह हुड्डा जैसे जो वकील का भी पोस्ट कार्य कर चुके हैं, ये व्यक्तियों को 2 जगह से लाइसेंस प्राप्त है और दोनों जगह ही अपने मत का प्रयोग कर सकते थे, तो इसलिए जिला बार एसोसिएशन रोहतक द्वारा दीपेंद्र हुड्डा, कैप्टन अभिमन्यु जैसे 60 ऐसे वकीलों के नाम काटे जा सकते हैं, उनकी वोट काटी जा सकती है और उन्हें आने वाले समय में यहाँ पर जो पद है उससे भी हटाने का कार्य किया जा सकता है। तो आपको कैसी लगी वीडियो को लाइक करें, चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करने का काम जरूर करें। इसी के साथ अगले वीडियो तक आप लोगों से विदा लेते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।